और कुछ प्रोग्रेस है कि नहीं है? आटा लेने गए थे, सूजी लेके आ गए। कीपिंग जोक्स असाइड, थर्ड डे है लॉकडाउन का। मेरे को जितना लगा था कि सेल्स में मतलब सामान नहीं मिलेगा और कतई किल्लत हो जाएगी, नहीं, अभी हो रहा है, मिल रहा है। मतलब मैं खुद, मेरे को कल जाना पड़ा था दूध और इन सब के लिए, टेट्रा पैक ही लेके आया मैं। अभी सच्ची में प्रेफर यही करो कि इंस्टेड ऑफ बाइंग द लोकल मिल्क जो अपना 25-26 वाला पैकेट लाते थे, उससे बेटर है अभी टेट्रा पैक ले आओ, ज़्यादा दिन चलेगा। हाँ, उबाल के रखते हो तो वो भी चलता है, बट वो जल्दी स्टॉक आउट हो जाता है। तो जस्ट इन केस नहीं है तो थोड़ा बजट बढ़ा लो, टेट्रा पैक ले लो और एफिशिएंटली यूज़ करो। और चाय के लिए मोस्टली अपना मिल्क पाउडर ही यूज़ करो, क्योंकि नॉर्मल जहाँ पे मेनली मिल्क का यूज़ है, अगर आप नॉर्मल मिल्क पीते हैं, उबाल के पीते हैं, कॉम्प्लान पीते हैं, तो वहाँ पे आप तो यही प्रेफर करो, वहाँ पे ओरिजिनल मिल्क हो और चाय वाय में चलती है अपनी मिल्क पाउडर। ये बात तो हो गई, क्या है, सीन चल रहा है मेरे एरिया में। सच्ची आपको दिखाता हूँ मेरे एरिया में क्या, कितनी शांति है। वरना तो अभी तो बच्चे आ रहे होते हैं, यूजली कोई बाहर है भी नहीं जितना मेरे को लग रहा है ना, कोई बालकनी तक में नहीं आता यार। अभी कपड़े सुखाने के अलावा और कोई पॉइंट नहीं है जब बंदे बाहर आए, वैसा सीन रहता है। ठीक है, तो मैंने कल वीडियो के नाम पे कुछ भी डाल दिया था। सीरियसली टॉपिक नहीं सोचता यार, डेली वीडियो डालने के लिए कंटेंट चाहिए, कंटेंट के लिए कंटेंट सर्च करना पड़ता है, और इतना कंटेंट है नहीं मेरे पे, तो टाइम नहीं है बेसिकली मेरे पे। कंटेंट डेली बेसिस का कंटेंट देखना है, मैं तो सच्ची प्रेफर आप सबको रेफर करूँगा, ज्ञानी 2.0 चैनल है, डेली बेसिस पे वीडियो डालता है बंदा, भैया हैं डालते हैं भैया, और एनर्जेटिक होती है, एंटरटेनिंग होती है, थोड़ी सी संस्कारी होती है, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। और आप अगर वो चैनल देखोगे तो आप समझ जाओगे, और है काफ़ी ऐसे चैनल हैं। और आज मैं बेसिकली एंटरटेनमेंट की बात कर ही चुका था पहले भी, कि काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आप देख सकते हो। बट अभी जो पहला दिन का लॉकडाउन था, तब मैंने सबको यही पूछा था कि जो जॉब वाले हैं वो क्या करना चाहते हैं, क्या उनका स्कोप है। बट आज मैं बात करूँगा उन लोगों की जो जॉब सर्च कर रहे हैं, सर्च इन अ सेंस, जो मैक्सिमम क्या लोग होते हैं, लोग अपना गवर्नमेंट की तैयारी कर लेते हैं, बेसिकली जब बैचलर्स कर लेते हैं उसके बाद गवर्नमेंट की तैयारी में लग जाते हैं। तो कुछ लोग हैं जो एक साल से, एक ही साल हुआ है, 2 ही साल हुआ है, जिनने जस्ट जनवरी में एडमिशन ही लिया होगा, उनका तो अभी जैसे कोर्स स्टार्ट होते ही ठप हो गया है। तो क्या किया जाए, अभी सीन क्या है, जो लोग काफ़ी दिन से कर रहे होते हैं ना, वो मेन मेन चीज़, मतलब 5 मार्क्स की चीज़ें तो आपको पता होंगी, मगर वो 1 मार्क्स वाली चीज़ पता नहीं होंगी आपको। बेसिक्स लेवल की जो होती है ना, वो आपने रिवाइज़ कभी की ही नहीं होगी। तो होता क्या है, पेपर में आप 5 मार्क्स वाला आया, अरे करके सॉल्व, मगर जो बेसिक वाली चीज़, अबे इतना तुच्छा था, कैसे छूट गया। तो नाउ इज़ द टाइम जब आप अपने बेसिक्स रिवाइज़ करो, जितना टाइम दे सकते हो। अभी जो भी उस लेवल पे जा रहा है, वो 1 से 7 साल के जो ड्रॉप लेके बैठा हुआ है, जो अपनी 17-18 की उम्र से लेके अभी 25-26 का भी हो गया और ड्रॉप लेके बैठा है कि नहीं मेरे को सरकारी ही करनी है, अभी सबसे बढ़िया टाइम है आप, क्योंकि मेन चीज़ तो आप हमेशा ही पढ़ते हो। अभी बेसिकली आपको अपने बेसिक्स रिवाइज़ करने हैं, बेसिक रिवाइज़ तो करने ही है। अभी देखो सबसे सही क्या हुआ है लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन के बाद मेरे को अपनी फ्रेंड का एक कॉल आया, उसने कहा भाई आज दिल्ली में तारे नज़र आ रहे हैं। आई थॉट क्या जोक चल रही है, बट ऐसा कुछ नहीं है भाई, सीरियसली अगर आप दिल्ली या नोएडा रहे होगे तो पॉल्यूशन है मेन एरिया में, लक्ष्मी नगर और इनसे, ये जो है मुखर्जी नगर, इन सब में पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो चुका है कि आप रात को छत पे जाओगे तो आपको इन जनरल तारे उतने चमकते हुए नहीं दिखेंगे। बट आजकल क्योंकि गाड़ियाँ नहीं चल रही, कोई कुछ नहीं हो रहा है, रात को तारे दिख रहे हैं। तो अगर नेचर रिकवरी प्रोसेस में जा रहा है तो वाई नॉट अस, अभी आप कोशिश कर सकते हैं कि अपना माइंड, अपनी हेल्थ, अपना स्टेमिना सब अभी 21 दिनों में, अभी देखो कहने की बात है ये 21 डेज़ का लॉकडाउन है, जिसमें 3 दिन बीत चुका है, 18 दिन का और बाकी रह गया, बट दिस कैन बी मतलब एक्सटेंडेड, ठीक है, और बढ़ेगा, बढ़ सकता है, कर सकते करते करते मेरे को तो लग रहा है मई तक ले जाएंगे ये लोग। और मई तक अगर ले जाएंगे, अगर आपके हाथ में एक पूरा महीना तो है ही, तो सेल्फ अवेयरनेस आपको तो होगी कि आपको कहाँ पे लैग कर रहे हो, इंटरव्यू सेक्टर में लैग कर रहे हो या नॉलेज सेक्शन में लैग कर रहे हो। कभी कभी क्या होता है बंदे को, मेरे साथ ही होता था, सारे सरकारी एग्ज़ाम्स तो आपके क्लियर हो जाते हैं, बट आप इंटरव्यू के लिए कुछ नहीं तैयार किया होता आपने, तो उसके बारे में प्रिपेयर करो। मतलब अभी क्या होता है कि आपने तैयारी की, एग्ज़ाम क्लियर, वेरी गुड, इंटरव्यू देने बैठे ले ठप, पहले तो एक तो खुद का पर्सनैलिटी नहीं होती, बन जाती है, ठीक है, एक कॉन्फिडेंस आता है, 1 से 2 बार पर्सनैलिटी बन जाएगी। इंटरव्यू
ठीक है आप हिंदी मीडियम से पढ़े हो, वो एक पॉइंट आता है कि हाँ इंग्लिश का थोड़ा इशू है, 21 दिन ना आराम से इंग्लिश सीख लोगे। दूसरी बात है खुद को रिप्रेजेंट कैसे करें, जितने सैम्पल यूट्यूब में मिल रहे हैं देखो और अपने आप को इम्प्रोवाइज़ करने की कोशिश करो। कुछ नहीं होता टॉक टू मी, काफ़ी सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो इंस्टाग्राम पे भी आपको लाइव कॉल्स लेते हैं और कोशिश करते हैं कि आपके जैसे डाउट्स क्लियर कर सकें। थर्ड पॉइंट फिजिकल भी होता क्या है, जैसे आर्मी का हुआ, डिफेंस का हुआ, CTS हुआ, FCAT हुआ, नेवी का हुआ, इन सब में क्या होता है आप लोग पास कर जाते हो, कट ऑफ में आ जाते हो, मगर क्या होता है आपने SSB का स्क्रीनिंग भी क्लियर कर लिया, आपने 5 दिन भी बिता लिए, आप कॉन्फ्रेंस भी इन हो गए, फिर क्या हुआ मेडिकल में देखो आईसाइट का तो मैं फ़िलहाल कुछ नहीं कर सकता, बट इन जनरल आप वेट नहीं क्लियर कर पा रहे हो, आपको पता है कि आपके हाइट के हिसाब से 72 मैक्स है बट आप आराम से 84-86 में जा रहे हो, तो वो सब पे वर्कआउट कर सकते हो। जो अंडरवेट हैं वो ओवरवेट, क्योंकि अभी घर में बैठ के आराम से खा सकते हो, और जो ओवरवेट हैं वो प्रैक्टिस करके थोड़ा कम डाइट लेके अपने आप पे फिजिकल वर्कआउट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, बहुत दिन से आप लोगों ने फैमिली को टाइम दिया नहीं होगा, जो फैमिली के साथ है इसके लिए, उनके लिए स्पेशली, जो नहीं है उनका तो मैं क्या ही करूँ। अभी क्या है जो क्या है कि सोशली बॉन्डिंग विथ सोशल डिस्टेंसिंग, बेसिकली मैं खुद ये देख रहा हूँ, मैं वो बंदा हूँ जो ना मेरा डेली वॉकिंग रहता है, मैं 2.5 से 4 किलोमीटर डेली वॉक करता हूँ, तो मैं डेली सबको कॉल करता हूँ। अब मैं देख रहा हूँ सब मेरे को कॉल कर रहे हैं, तो मैं वही, अब उनको बहुत वो फ्रीडम मिल रखी है, क्योंकि मैक्सिमम मेरे जो दोस्त लोग हैं उनका वही सीन है, उनको जॉब वर्क फ्रॉम होम का हिसाब है ही नहीं, तो अब करे तो करे क्या, चलो भैया से बात करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो हाँ सोशल बॉन्डिंग करो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, मतलब बेसिकली डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू आप एक दूसरे से कॉन्टैक्ट करें, इंस्टाग्राम हुआ, फेसबुक हुआ, व्हाट्सएप हुआ, स्काइप हुआ, जैसे करना है वैसे करो, जितने ज़्यादा लोग करने हैं ज़्यादा लोग लेने हैं वीचैट पे आ जाओ, वीचैट पे एक टाइम पे मैंने तो बार बार लोगों से बात कर रखी हुई है, वैसे वीचैट को तो प्रमोट नहीं करता मैं क्योंकि चाइनीज़ चीज़ है अभी। हाँ तो सोशल बॉन्डिंग रखो तो माइंड रिलैक्स होता है। अब देखो आप जो नॉर्मल स्टूडेंट है वो पढ़ाई के चक्कर में क्या मुश्किल से रात को 12-1 बजे तक पढ़ रहा है और सुबह 4-5 बजे जाग रहा है या 6 बजे जाग जा रहा है 8 बजे की क्लास के, तो कोशिश करो चलो ठीक है आप रात को सोते वाला टाइम तो चेंज नहीं कर सकते क्योंकि लोगों को आदत पड़ जाती है 12-1 बजे सोने की, बट उसके अलावा क्या कर सकते हो, सुबह जल्दी मत उठो। आप इन जनरल 4-5 घंटे की स्लीप ले रहे हो, 7 घंटे की ले रखते हो, बॉडी को रिलैक्स होने का टाइम दो क्योंकि अभी तुम पे टाइम है, 8 घंटे प्रॉपर नींद लो, उठो, अपना योगा करो, एरोबिक्स करो जो आप घर पे कर सकते हो, ये मैं नहीं कह रहा कि जिम खोलो, बट योगा करो, एरोबिक्स करो, थोड़ा माइंड रिलैक्स करो, नहाओ धो पूजा करो, नवरात्र चलने हैं, जिनके रिलीजन में नवरात्र नहीं है चिल करो यार, थोड़ा मतलब मेडिटेशन करो, थोड़ा मतलब क्या माइंड एकाग्रत होता है। फिर जो पेरेंट्स के साथ है बातें करो यार, काफ़ी चीज़ें होती है, तुम्हें अपने रिश्तेदारों के बारे में बताओ, नॉर्मल बात भी करोगे ना तो वो रिलीज़ होता है, बातें करने से ना तुम्हारा प्रेशर रिलीज़ होता है, तो वो सही रहेगा। तीसरी बात यह है कि है टाइम, देखो अभी सबको लग रहा था कि यार मैंने तो अभी कोर्स में एडमिशन लिया था और अभी ये बंद हो गया, अब तो मेरा एग्ज़ाम आने वाले, मेरा कोर्स भी कंप्लीट नहीं हुआ। देखो जिस भी आपने उसमें जिस भी इंस्टीट्यूट में आपने एडमिशन लिया होगा ना उसका ऑनलाइन तो हो गई, तो कम से कम आप सैम्पल एग्ज़ाम टेस्ट देना चालू कर दो पहली बात। दूसरी बात अगर इतना लॉकडाउन हुआ है तो एग्ज़ाम्स भी पोस्टपोन होंगे, जब गवर्नमेंट लेवल के सारे इंटरव्यूज़ पोस्टपोन किए जा रहे फॉर अनडिफाइंड पीरियड, तो एग्ज़ाम्स ही पोस्टपोन होंगे, तो उसकी टेंशन मत लो, तुमको प्रॉपर टाइम मिलेगा। अभी जो एक महीना लगभग मिल रहा है वो फ्री फंड का मिल रहा है, तो जो पहले से तैयारी करते हैं इतने दिन से उनका मेन पॉइंट ये है कि तुम्हारे जो मेन सब्जेक्ट है उनको साइड में रखो, जो तुम्हारा नेगेटिव जहाँ पे तुम लॉस करते हो उनको ज़्यादा अच्छे से तैयारी करो, जो सब कुछ लगभग तैयारी पूरी कोचिंग कर चुके हैं तो उनको पता है कि मैंने मेन मेन पॉइंट कर लिए हैं, तो अभी बेसिक्स पे ध्यान दो। और कुछ लोग होते हैं कि क्या कहते हैं कि ये तो मेरे को आता ही है, तो ना वो मेनली ये तीनों पे करने लगता है कि उनको वो नहीं आता, तुम वो तीनों करो, मैं नहीं कहूँगा वो तीनों मत करो, वो तीनों पे मेन फोकस करो, मतलब एंड ऑफ द डे एक घंटा कम से कम उन दोनों को भी दो, क्योंकि होता क्या है तुम उसको ईजी समझ के ना छोड़ देते हो और छोड़ने के बाद ना एग्ज़ाम में वही लेती है तुम्हारी, तो मैं ये कहूँगा एग्ज़ाम प्रिपरेशन वाले जितने भी है कूल टेम्पर रखो, बॉन्डिंग बनाओ, बातें करो, पढ़ने के लिए तुम्हारे अगर 4 घंटे इन जनरल घर पे मिलते थे 6 घंटे मिल रहे हैं, पढ़ाई करो, माँ बाप के साथ रहो, टाइम स्पेंड करो,
अपनी वोकैबली पे वर्क करो, अपनी इंटरव्यू स्किल्स पे वर्क करो, अपनी फिजिक पे वर्क करो, और काफ़ी अच्छे अच्छे देखो, ज़रूरी नहीं है तुम कोचिंग सेंटर से ही पढ़ो, तुम यूट्यूब पे देखोगे वाईफाई स्टडी है, testbook.com है, मेड ईजी है फ़िलहाल, और PNT स्टडीज़ भी हैं एक सर, तो ये सब काफ़ी अच्छा अनअकैडमी है, इन सब के बहुत अच्छे लेक्चर्स होते हैं यूट्यूब लेवल पे भी जो फ्री फंड में अवेलेबल हैं, तो वो रेफ़र करो अगर कोई भी इन जनरल स्टार्ट ही करना था तुम्हें। और सीन क्या है कि पहले एक पॉइंट स्पेशली ध्यान दो, अगर कोई एक यूट्यूब चैनल तुमने पकड़ा ना, तो आँख बंद करके उसके ही सारे लेक्चर्स देखो, एक एटलीस्ट फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ये नहीं कि तुम इसके भी लेक्चर देख रहे हो, उसके भी लेक्चर देख रहे हो, तो तुम ना तुम्हारा कंटेंट बहुत सारा हो जाएगा एक पॉइंट के लिए, और तुम ओवरऑल कुछ पढ़ नहीं पाओगे। तो बेटर यही रहेगा कि तुम पूरा एक सब्जेक्ट किसी एक पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल से पढ़ो, दूसरा सब्जेक्ट भले ही उनका चैनल का समझ नहीं आया तो दूसरे चैनल से पढ़ो, मगर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट ना एक ही चैनल से पढ़ो, तो तुम सही से समझ पाओगे। मॉक टेस्ट पेपर, ये सैम्पल टेस्ट पेपर बहुत है ऑनलाइन, प्रैक्टिस करने के लिए बहुत है ऑनलाइन, ध्यान दो पढ़ो। और मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो गवर्नमेंट में नहीं इंटरेस्टेड है, नॉन गवर्नमेंट में देखना चाह रहे थे, भाई दिस इज़ टाइम टू इम्प्रूव योर स्किल्स। SQL हुआ, हडूप हुआ, वेब डिज़ाइनिंग के अलग अलग कोर्सेज होते हैं, HTML हुआ, CSS हुआ, Udemy है अपना, YouTube है अपना, बायजूस में भी शायद है, काफ़ी सारे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके थ्रू आप सीख सकते हो। तो वर्क ऑन योर सेल्फ, 21 दिन तो है ही, प्लस एक महीना लगभग, पूरा लगभग एक महीना है ही तुम्हारे पास, सीखोगे, आफ्टर दैट यू कैन गेट सर्टिफिकेशंस एंड यू कैन गेट अ गुड जॉब। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, अंटिल देन सायनारा।